नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है उड़ने वाली कार। चाचा जान, क्या हो रहा है? बिल्लू एक कबाड़ी लौट कर्जन की ये पुरानी कार 150 में दे गया है। मैं इसके अस्थि पंजर की मरम्मत करके इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखता हूं इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। आहा, चल पड़ी। कर आओ बिल्लू, कार में बैठो, जरा घूम कर आते हैं। लेकिन कार के चारों टायरों में हवा नहीं है। हम धीरे धीरे इसे पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं, वहां से हवा भरा लेंगे। लो, पेट्रोल पंप तक तो आ गए हैं। अरे भाई, चारों टायरों में हवा भर दो जल्दी। मैंने इंजन चालू कर रखा है, एक बार बंद हो गया तो दोबारा चालू करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा हवा भरने वाला कर्मचारी आज छुट्टी पर है। आपने जिससे हवा भरने को कहा है वो साइंस का प्रोफेसर है, जो आज ही पागलखाने से छूटा है। आप अगले पेट्रोल पंप से हवा भरा लें। क्यों, हवा भरना कोई मुश्किल काम है? अरे प्रोफेसर साहब, हम आपसे ही हवा भरवाएंगे। मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा कि आप मुझे सारी उम्र याद रखेंगे। अब अगले टायर हो गए, अब पिछले टायर। लो साहब, काम खत्म। लो प्रोफेसर, कुछ पैसे रखो, नाश्ता कर लेना। तुम्हारी कार के टायरों में मैंने हवा नहीं, अत्यंत पावरफुल हाइड्रोजन गैस भर दी है, जो हर चीज को उड़ा ले जाती है। बिल्लू, अब क्या होगा? सैर सपाटे को तो निकले ही हैं, आसमान में ज्यादा एडवेंचर रहेगा। ठीक है, फिर चलो। हुर्रे, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी वही देख रहे हो? आश्चर्यजनक, आसमान में कार, अद्भुत। बिल्लू ठहरो, मुझे भी साथ लेते जाओ। साबू, ये कार रुक नहीं सकती, मुझे रोकना आता है। ये गया मेरा रस्सा। साबू का रस्सा हमारी कार में अटक गया है। कहो कैसी रही? वाह। और तभी रस्सा टूट जाता है। ओह, रस्सा टूट गया। छपाक, गनीमत है कि समुद्र में गिरा, नहीं तो हड्डी पसलियों की रेत बन जाती। वाह, क्या नजारे हैं, हम बादलों के ऊपर दौड़ रहे हैं। स्मिता, देखो कार। कार भी कोई देखने की चीज है? हाँ, आसमान में उड़ने वाली कार। अरे हाँ, ये तो सचमुच अजीबो गरीब चीज है। चचा जान, वो देखो, ऊंची इमारत पर। हाँ बिल्लू, लगता है उस महिला की जान खतरे में है। कूदो। नहीं, रहम। बिल्लू, पीछे की सीट पर एक क्रिकेट का बैट रखा है। मिल गया चचा जान। ठीक है, जरा क्रिकेट का खेल दिखाओ। चौका, सटाक। ओ, मुझे सीढ़ियों से तुरंत नीचे जाना चाहिए। वाह बिल्लू, तुम आकाश में भी बैट का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। आसमान बिल्कुल साफ है, मंद मंद हवा भी चल रही है। 4 3 2 1 0, सर्राट। रॉकेट का छोड़ा जाना कामयाब रहा। चचा जान, पीछे देखो, हम कितनी दूर निकल आए। और तभी उनकी कार रॉकेट को बीचों बीच दो टुकड़े में बांटते आगे निकल गई। क्यों ना रॉकेट के सफलतापूर्वक छोड़े जाने का जश्न मनाया जाए। वाह चचा जान, तुम तो अच्छी कलाबाजियां लगा लेते हो। बिल्लू, मैं आसमान में जेट विमानों के भी कई करतब दिखा चुका हूं। इतने बड़े होर्डिंग को ऊपर चढ़ाना एक मुसीबत है। मेरा होर्डिंग शहर में सबसे ऊंचा लगना चाहिए। नीचे देखो, लोग चींटियों की तरह और कारें खिलौने जैसी लग रही है।
हाँ सचमुच नीचे जमीन पर का नजारा बड़ा विचित्र है। जर्राट, मैं चाचा चौधरी के सारे दांत तोड़ दूंगा। बादलों के उस पार चलो, मैंने कहा। कार बादलों के उस पार ले चलो। कार ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। वजह, पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या होगा, बस आसमान में एक जगह लटक के रहो। वो देखो आसमान में क्या है, कोई अद्भुत पंछी। अगर वो पंछी है तो आसमान में एक ही जगह क्यों ठहरा है? आखिर इस तरह सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में कब तक पड़े रहेंगे? कुछ पता नहीं। कार में एक ऐसा कोई यंत्र नहीं जिससे हम इसे जमीन पर उतार सकें। मुझे तो भूख लगाई है। मैं सरकार से कहूंगा कि वो आसमान में कुछ रेस्तरां खोले ताकि ऊपर बैठे बैठे टोस्ट, कटलेट और चाय खाए पिए जा सकें। ओह ये क्या, कार के टायरों की गैस निकल रही है। ओह, कार तेजी से नीचे गिर रही है। थप, ओह, घास फूस। चचा जान, हम कहाँ हैं? आसमान में नहीं, मैं इतना तो कह सकता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है काम की तलाश। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? कुछ कमाने। नट्टू, स्कूल में छुट्टियां हैं, बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कोई काम ढूंढा जाए, पैसे आएंगे। सचमुच तुम बड़े मेहनती हो, हमेशा दूर की सोचते हो। बेटा नट्टू, जो काम बिल्लू कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? मोटा बैंक बैलेंस होने से राहत मिलेगी। ये काम मिलने की उम्मीद है, जरूरत है गोदाम में बोझा ढोने वालों की। मैं भी काम की तलाश में हूं। सेठ जी, आपको काम के लिए आदमी की जरूरत है ना? मैं काम की तलाश में हूं। अरे नट्टू, ये क्या, ये काम तो मैं लेने आया था। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं दोनों को ही काम दूंगा। ये लिनोनियम के रोल हैं, एक एक करके इन्हें गोदाम से उठाकर सामने दुकान में ले जाना है। मजदूरी 2 रुपए रोल मंजूर है। बाप रे, पफ, बड़ा भारी है। पफ, उठाने में पफ, दम निकल गया। ये ट्रॉली कितने काम की चीज है, बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। रोल के साथ साथ ये हमें भी फ्रंटियर मेल की तरह ले जाती है। लीजिए, ये रोल गोदाम से लाया हूं, बड़ी क्विक सर्विस है। यूं ही पसीना बहाने से अच्छा है बिल्लू का तरीका अपनाऊं। वाह, खेल का खेल और कमाई की कमाई। मेरे इस जापानी तोते जैसा पंछी पूरे शहर में नहीं। तभी आउं, तुम्हारी वजह से मेरा 500 रुपए का जापानी तोता उड़ गया। मुआवजा निकालो, नहीं तो 500 रुपये। पर मेरी जेब में तो 1 पैसा भी नहीं है। तो फिर मेरे घर चलो, वहां पर तुम नौकर बनकर तब तक काम करोगे जब तक कि मुआवजा पूरा नहीं हो जाता। हर रोज तो तुम चिड़िया तोते पकड़कर लाया करते थे, आज किसे ले आए? भगवान, तुम्हें नौकर की हमेशा तलाश रहती थी ना? ये रहा, इसे ढेर सारा काम दो। ये लो, पहले मेरी सारी प्रेस करो। नट्टू बेटा कमाने चले थे, यहां लेने के देने पड़ गए। अरे बिल्लू, नट्टू, आधे घंटे में मैंने गोदाम के सारे रोल दुकान में पहुंचा दिए, खूब कमाई हुई। मुझसे एक आदमी का नुकसान हो गया है, हर्जाना ना भरने के कारण उसने मुझे नौकर बना लिया। कैसे छूटूंगा? जब नौकर मालिक का नुकसान करने लगे तो मालिक उसे निकाल देता है। बिल्लू ठीक कहता है, साड़ी प्रेस हो गई, गर्म प्रेस वहीं रहने देता हूं, साड़ी जल जाएगी। अरे 1 घंटा हो गया, क्या अभी तक साड़ी प्रेस नहीं हुई? वाह, साड़ी कितने बढ़िया प्रेस की है, अब धोबी से नहीं तुमसे सारे कपड़े प्रेस कराएंगे। 1 घंटे तक बिजली गई रही। इधर आओ, अब मेरा एक काम करो, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ढूंढो।
ये रहे हजरत के जूते। जूते हाथ में देने के बजाय क्यों ना इन्हें ठोकर मारकर फेंक दूं, मालिक नाराज हो जाएगा और मुझे निकाल देगा। साहब ये लो अपने जूते। ओह मेरे जूतों में जहरीला बिच्छू छुपा बैठा था, अगर मैं जूते पहनता तो ये मुझे काट जाता। सचमुच एक बार फिर तूने बड़ी अकलमंदी का काम किया है, ऐसे नौकर को मैं 100 साल तक नहीं जाने दूंगा। सफाई करो अब, अगर बिल्लू का बच्चा मिल जाए तो उसकी हड्डियों के सारे पेस्ट ढीले कर दूं। अरे नट्टू तुम अभी तक इसी घर में हो, तुम्हारी तरकीब उल्टी पड़ी है, मैं इस झाड़ू से तुम्हें झाड़ने आ रहा हूं। देखो आखिरी नुस्खा, वो फूलदान बड़ा कीमती लगता है, उसे तोड़ दो, मालकिन दूसरा सांस तब लेगी जब तुम्हें घर से निकाल देगी। ये गया फूलदान, कड़ाक। देखो जी हजारों रुपए की हमारे हीरे की अंगूठी जो खो गई थी इस फूलदान में से मिली, नौकर फूलदान ना तोड़ता तो अंगूठी हमेशा इसी में पड़ी रहती। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया और रो रहे हो, इनाम मांगो, क्या चाहिए, अपनी आजादी। जाओ नट्टू मैं फिर काम की तलाश में निकला हूं, मेरे साथ चलोगे? मेरी तौबा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है बोंजू का तालाब। बोंजू आज ये बंदूक किस लिए? धमाका सिंह जल्दी पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वो कैसे देखते जाओ। ओह धूप में चलते चलते दम खुश्क हो गया है, कहीं आसपास पानी मिल जाए तो पी लूं। शुक्र है पास ही तालाब मिल गया। पानी पीने का टैक्स तो अदा करते जाओ, पानी तो कुदरत की देन है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। दयालु लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं लेकिन हमारे तालाब का पानी मुफ्त नहीं। ठीक है 10 पैसे ले लू? नहीं। धमाका सिंह इसका संदूक छीन लो। अरे इसमें मेरी पत्नी के कपड़े और जेवर हैं, तो हमारा पानी भी कम कीमती नहीं, अगर तुम प्यासे मर जाते तो। दूसरी जगह चाचा जी बैंक से आप 20,000 रुपये कैश कराने गए थे। हाँ साबू कैशियर ने 20,000 तो दे दिए लेकिन सब 10-10 के सिक्कों में, ये बोरी देख रहे हो ना, लाइए मैं ले चलता हूँ। साबू जल्दी कदम बढ़ाओ, चाचा जी काफी देर से पानी नहीं पिया, प्यास लगी है। ये रहा तालाब, जितना चाहो पानी पी लो। और साबू पानी पीने लगा, पानी काफी निर्मल और शीतल है, मीठा भी होगा। साबू तुमने भरपेट पानी पी लिया, आओ अब घर चलें। ठहरो पहले बोंजू को पानी का टैक्स देते जाओ। पानी का टैक्स? ये सब तो आज पहली बार सुन रहा हूं। लंबू इस गठरी में क्या है? धन। तब तो जरूर काफी बड़ी रकम होगी, गठरी मेरे हवाले करो। साबू प्यार से इसे गठरी दे दो, ये लो। ओह बचाओ इस भारी गठरी को हटाओ, पहले वायदा करो कि अब कभी वाटर टैक्स नहीं लोगे। मैं वादा करता हूं। बाप रे जान बच गई। आओ चले साबू, तुम्हारी चाची घर में इंतजार कर रही होगी। क्या बैंक से 20,000 ले आए? हाँ भगवान। लाओ सारे पैसे मेरे हवाले करो, लेकिन भगवान तुम इस रकम का क्या करोगी, ये हमारे पास ही रहने दो। नहीं तुम दोनों इसे फिजूल खर्ची में उड़ा डालोगे, ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझे दो। ठीक है साबू सारी रकम अपनी चाची को दे दो। लो चाची। ओह ये क्या, 20,000 रुपए बैंक से सारी रकम 10-10 पैसे के सिक्कों में मिली है, इन्हें हटाओ। एक और परेशानी, अब इन सिक्कों को इकट्ठा करके दोबारा बोरी में डालना होगा। चाचा चौधरी तुम तकलीफ क्यों करते हो, ये काम मैं कर दूंगा, तुम संभालो ये 20,000 के नोट। पर रुकड़ी माल तुम ये काम क्यों करोगे, मेरे किराने की दुकान है, आजकल रेजगाड़ी की बड़ी तंगी रहती है, मेरी खुशकिस्मती कि जो इतने सारे सिक्के मुझे मिल रहे हैं, अब ये ढेर मेरा हो गया, लेकिन मेरी बीबी को छोड़कर। लो भगवान ये संभालो 20,000 के नोट। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है बजरंगी से टक्कर। आ
ये किस कमबख्त ने मेरी प्रातःकाल की नींद खराब कर दी? बिल्लू के ट्रांजिस्टर ने। ये मौका अच्छा है इस चूहे की मरम्मत करने का। बिल्लू, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। क्यों बजरंगे उस्ताद? मैंने ये रूल बनाया है कि जो कोई इस मोहल्ले में ट्रांजिस्टर चलाएगा उसे मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इस नियम को देखते हुए मोहल्ले वालों ने कुश्ती में हाथ पांव तुड़वाने के बजाय अपने अपने ट्रांजिस्टर या तो बेच दिए हैं या कूड़े में फेंक दिए हैं। तब मुझे जाने दो, ये ट्रांजिस्टर नहीं गुल्लक है। इस छेद में से पैसे डालता हूँ, इसकी चाबी चाचा चौधरी के पास है, मैं लेने जा रहा था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? साबू के ट्रांजिस्टर से। रोल के मुताबिक अब तुम्हें उससे कुश्ती लड़नी होगी। कहो पहलवान, कुश्ती लड़ने का शौक है? नहीं, मैंने इसी वक्त अपना रूल बदल दिया है। अब ट्रांजिस्टर चलाने पर किसी को कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। जाओ, छोड़ दिया। धड़ाम। अच्छा बजरंगी, बाय बाय। हाय मेरी कमर। उस्ताद, उस चूहे को नीचा दिखाने का अभी एक मौका और है। वो कैसे? वो चाचा चौधरी के घर गया है, हम भी उधर चलते हैं। चाचा जी, इस गुल्लक में बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसकी चाबी निकालिए, इसे खोला जाए। चाबी? पता नहीं उसे मैं कहाँ रखकर भूल गया। बिल्लू, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरे कमरे में चाबी ढूंढता हूँ। मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा क्या मक्खियाँ मारूंगा? जब तक मैं चाबी ढूंढ कर लाऊं, तुम इस पत्थर के बूत से बातें करो। कभी कभी बेजान चीजों से बातें करने में भी लुप्त आता है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, भला कोई बेजान बूत से भी बातें करता है? भगवान, ये लड़का बड़ा बातूनी है। चैन से मैं चाबी ढूंढ सकूं इसलिए उसे व्यस्त करके आया हूं। काम करने के तुम्हारे भी अजीब ढंग है। कहां से बातचीत शुरू की जाए? हाँ कहिए, आपका नाम क्या है? नहीं बोलते? ना सही, बंदे को बिल्लू कहते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है, मेरी क्रिकेट की गेंद से मोहल्ले की कई खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। आपको किस खेल का शौक है? उस्ताद, वो देखो, बिल्लू पत्थर के बूत से बातें कर रहा है। ये अच्छा मौका है, देखना मैं उसे कैसे उल्लू बनाता हूँ। हमारे शहर में एक बजरंगी पहलवान रहता है, वो ना जाने क्यों मुझसे नाराज रहता है। क्योंकि तुम नालायक, शैतान और पढ़ले दर्जे के बेवकूफ हो। तुमने बजरंगी को बहुत परेशान किया है, अगर कभी तुम उसके काबू आ गए तो वो तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना देगा। मगर चुप, मेरे सामने जुबान चलाता है, एक चांटा पड़ते ही तू कलाबाजियां खाने लगेगा। देखो मिस्टर बूत, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। एक चूहे को गुस्सा आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर तुमसे निपटता हूँ। चाचा जी, वो बूत तो बोलता है, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी बात है? अगर वो बूत तुम्हें दोबारा धमकी दे तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। मिस्टर बूत, अब तमीज सीखो, नहीं तो वाह रे मिट्टी कैसे, मैं तुम्हें ही नहीं चाचा चौधरी और उस लंबू साबू को भी मार सकता हूँ। मैं इस घर को आग लगा दूंगा, तुम सब जलकर कोयला बन जाओगे और उस कोयले पर मैं मक्की के भुट्टे भूनूंगा। तेरी ये हिम्मत? जाओ बाहर कूड़े में। धड़ाक, ढक्कन, घर चलो, सिर पर सेंक करना है। बिल्लू, गुल्लक की चाबी मिल गई, आओ इसे खोलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की करामात। अरे बाप रे, बचाओ! जल्दी से दरवाजा बंद कर देना चाहिए। क्या बाहर कर्जा मांगने वाले आ रहे हैं? नहीं। डाकू आ रहे हैं? नहीं। इनकम टैक्स वाले छापा मारने आ रहे हैं? उनसे भी ज्यादा भयानक। तो क्या एटम बम फटने वाला है? उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो देखो पिंकी, अगर दरवाजा खुला होता तो वो अंदर चली आती और मेरा भेजा खाती। पिंकी सवेरे सवेरे कहाँ चलती? कोडक अंकल के स्टूडियो। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और कह गए हैं कि पीछे से स्टूडियो की देखभाल करूं, फोटो खिंचवाने लोग आते होंगे चाचा चौधरी के यहाँ।
अरे बिल्लू, कुछ दिनों से देख रही हूं तुम घर पर ही पड़े पड़े सोफा तोड़ते रहते हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? बस क्या यही काम रह गया है कि खाना और फिर सोफे पर बैठ जाना? सुबह होते ही आदमी अपने कामों को चले जाते हैं, महिलाएं रसोई में खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन चाची, स्कूल में तो छुट्टियां हैं। क्या तुम्हारी कोई मित्र मंडली नहीं जिसके साथ तुम बाहर जाकर खेल सको? घर पर तुम्हारा बैठना मुझे बर्दाश्त नहीं, पत्थर की तरह एक जगह पड़े पड़े तुम उकता नहीं जाते। जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ। ठीक है चाची, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। मेरे मंडली के दोस्त बाहर गुले से मोहल्ले की खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे होंगे, मैं भी जाकर वही करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, सारा दिन यही रहो। मैं अभी तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। अगर मिल्क शेक मिलेगा तो मैं भी आज घर पर डेरा डाले पड़ा रहूंगा। नहीं, तुम्हें कोडक स्टूडियो से फोटो खिंचवाना है ताकि वो पासपोर्ट पर लगा सको। चलो पहले फोटो ही खिंचवा लेते हैं। अरे पिंकी, तुम मुझे एक फोटो खिंचवाना है। मिस्टर कोडक दिल्ली से बाहर गए हैं, स्टूडियो मेरी देखरेख में चल रहा है। बड़ा आसान काम है, फोटोग्राफर साहब मुझे समझा गए हैं कि आदमी को सामने बैठाकर कम कैमरे की सिर्फ ये चेन खींच देनी है। एक मिनट ठहरो, उठो, पहले हमारा बेबी फोटो खिंचवाएगा। लेकिन मैं यहाँ पहले आया हूँ। देखो, हमारा बेबी हर काम सबसे पहले करता है। बेकरी में जाकर सबसे पहला केक खाता है, फिल्म का सबसे पहला शो देखता है। और लेकिन मेरी भी उसूल है, जो पहले आया वही पहले फोटो खिंचवाए। चाचा जान, आप इनके बेबी को गोद में बैठा लीजिए, दोनों का फोटो एक साथ खिंच जाएगा। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। काम बन गया, आप अपने बेबी को बुलाइए। बेबी बेबी, अंकल की गोद में बैठ जाओ, एक साथ फोटो खींच जाएगा। चाचा जान, फोटो खींचने वाला कहाँ है, आप कहाँ है? चाचा जान, फोटो खींचने वाला है, आप कहाँ है? यहाँ। क्लिक, लीजिए आपका फोटो खींच गया। धन्यवाद, प्रिंट तैयार करके रखना। पिंकी, कितने पैसे हुए फोटो के? हम पैसे तभी लेते हैं जब ग्राहक को फोटो तैयार करके दे दें, ये हमारा वसूल है। क्या खाक उसूल है? यहाँ पहले मैं आया और फोटो खींच गया उस बेबी एलिफेंट का। फोटो पहले आपका ही खींचेगा, उस बेबी एलिफेंट का दिल रखने के लिए मैंने कैमरा क्लिक कर दिया। इसमें फिल्म नहीं है, कैमरे में फिल्म मैं अब डालूंगी, फिर आपका फोटो खींचेगा। क्लिक, धन्यवाद, प्रिंट तैयार करके रखना, मैं कुछ देर बाद आकर ले लूंगा। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो बेबी कहाँ है? बेबी चाहता है कि इस फुटबॉल फैक्ट्री में जो पहला फुटबॉल बने उसे वही खरीदे, इसलिए इंतजार में बैठा है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंबो से मुलाकात। अरे बिल्लू, जंबो पहलवान हमारे खेल के मैदान में कसरत कर रहा है, क्रिकेट कैसे खेलें? बच्चों क्या प्रॉब्लम है? चाचा जानी, जंबो पहलवान को मैदान से हटाना है, मुझे तो उसके करीब जाते हुए भी डर लगता है, ये काम मुझ पर छोड़ दो। गब्दू, चाचा जानी का लठ देखते ही जंबो अपना रास्ता नापेगा। लगता है चचा जानी को कामयाबी नहीं मिली, मैं इसे फिर कभी देख लूंगा। अरे आप लोग परेशान क्यों हैं? जंबो को यहाँ से भगाना है। ये कोई समस्या नहीं, मैं अभी उसे चलता करती हूँ। जो काम चचा जानी का डंडा नहीं कर सका वो इससे कैसे होगा? ये मैदान बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों पहलवान, तुम्हारी क्या राय है? क्या यहाँ पर कुछ होने जा रहा है? यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है, 1000 कवि अपनी कविताएं लेकर यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। बाप रे, भागो। जंबो भाग गया, अब मजे से क्रिकेट खेलो। अरे यहाँ परेड ग्राउंड में टेंट, मैं तो यहाँ कसरत करने आया था, यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गेटकीपर। ये बिल्कुल अपने उपयुक्त नौकरी है।
सर, मैं गेट कीपर की नौकरी के लिए आया हूँ। ठीक है, बाहर स्टूल पर बैठो, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को अंदर मत आने देना। अब इस बोर्ड की क्या जरूरत है, इसे अंदर रख दूँ। मेरा नाम नत्थु प्रसाद है, साहब अंदर हैं? चलो चलते नजर आओ, साहब ने कहा है कि किसी नत्थु को अंदर ना आने दो। गेट कीपर, अंदर आओ। सर, एक नत्थु प्रसाद आपको पूछ रहा था, मैंने उसे चलता कर दिया। ओह, वो हमारे माल का पुराना खरीदार था, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने आया था। आगे से ऐसा ना करना, हर किसी को अंदर आने देना। तुम्हारे साहब अंदर हैं? बिल्कुल, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुस्कुराता हुआ निकल रहा है, लगता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो डाकू था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो टापू। बिल्लू, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाऊंगा। आज का दिन हम एक टापू पर बिताएंगे जो समुद्र के बीच है। आराम से बैठ गए, मैं बोट चलाने लगा हूं। अभी साबू ने आना है, वो तैर कर आएगा। साबू, थक तो नहीं गए? चाहो तो बोट पर आ जाओ। नहीं, मैंने इससे भी बड़े बड़े समुद्र पार किए हैं। चाचा जी, जमीन नजर आ रही है, लगता है हम उस टापू पर पहुंचने वाले हैं। बिल्लू, उतरने की तैयारी कर लो, मैं तैयार हूं। वाह, ये टापू तो बड़ा हरा भरा लगता है। ज्यों ज्यों हम आगे जा रहे हैं, जंगल घना होता जा रहा है, पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही है। मच्छरों, दूर हट जाओ। साबू, इन जंगली लोगों के भालों में तीखा जहर लगा होता है, भाला चुभते ही मौत निश्चित है, जैसा ये चाहते हैं वैसा करना उचित है। चलो। बाकू, जंगली लोगों का मुखिया। अच्छा शिकार, इनाम मिलेगा, अजनबी लोग का मुरब्बा बनेगा। बलि से पहले हमारे पैर में सिर झुकाओ। मोटे तरबूज, तेरी ये हिम्मत, मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। शांत साबू। मुखिया, सबसे पहले मैं सिर झुकाता हूं, बच्चा अकलमंद है। नीचे पड़ा कांटा मिल गया, क्यों ना थोड़ी मस्खरी की जाए। शैतान छोकड़ा, कांटा चुभोता, इसका सिर काटो। थोड़ी दूर पर, ओह, जंगली गेंडा। माँ, पिता, हमारा बच्चा, पहले गेंडा मारो। सर्राट, कड़ाक। जंगली गेंडा, मैं तुझे मारने आता। धड़ाक, ओ धड़ाम। साबू, गेंडे को रोको। माँ, जंगली पिल्ले, रुक जा। धड़ाक, अब मेरी बारी है, चल दफा हो जा। छपाक, मेरा बेटा। माँ, हमारे बेटे को बचाया, तुम हमारा मेहमान। हम जंगली जानवर का शिकार करके लाता, तुमको खिलाता। कोई जरूरत नहीं, हम शाकाहारी हैं, टापू की सैर करेंगे, रास्ते में जो फल मिलेंगे उसे खा लेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।